आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है कि इस बार जयपुर समेत चार जिलों में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि बीसलपुर बांध पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन अफसोस ये भी है कि अब तक बांध से इतना पानी बर्बाद हो चुका है कि एक बीसलपुर बांध और भर जाता ऐसा मुमकिन था तब, जबकि सही समय पर ईसरदा बांध बनाया जाता। प्रदेश में तीन सरकारें बदल गई लेकिन अब तक ईसरदा बांध के दिन नहीं आए हैं। सरकारी लाल फीता शाही के चलते कैसे इस योजना का भत्ता बैठ गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में तीन सरकारें निकल गईं, लेकिन ईसरदा बांध का निर्माण अब तक भी नहीं हो पाया। यह योजना 10 साल पहले बनाई गई थी ताकि बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएं तो बर्बाद हो रहे पानी का ईसरदा बांध बनाकर रोका जा सके। यह बांध टोंक और सवाई माधोपुर की बॉर्डर पर बनना था। जल संसाधन विभाग में पिछली सरकार में 5 साल पहले 1,856 करोड़ रुपए का बजट पीएचईडी को सौंपा था, लेकिन अब जाकर ईसरदा बांध बनाने का वर्क ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। पानी बर्बाद हो रहा है ऐसा नहीं है, वो पानी कोई बर्बाद नहीं हो रहा है, ये नेचुरल वो फ्लो है नदी का, जिसपे अपन ने डैम बना करके बीसलपुर में बांध बना करके इन चार जिलों को पानी दे रहे हैं। उसके आगे का एरिया है उसमें भी नेचुरली पहले पानी फ्लो हो रहा था और होता था, तो उसमें भी पानी फ्लो होना चाहिए क्योंकि उसके आसपास के जो सोर्स हैं ट्यूबवेल्स या कुएं हैं वो रिचार्ज होते हैं। बीसलपुर बांध से 36 TMC पानी बनास और चंबल नदी होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक बह जाता है। अगर ये पानी ईसरदा बांध में स्टोर किया जा सका होता तो जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर में 2 साल तक पानी सप्लाई हो सकता था। ईसरदा डैम की स्वीकृति के बाद में उसमें बनने में टाइम लगता है, उसका काम प्रोग्रेस पे चल रहा है। अभी तक जैसा कि मेरे को WRD बना रही है, वो PHD विभाग नहीं बना रहा है, मेरी जानकारी में अभी तक लगभग 50 करोड़ के काम भी उसमें हो चुके हैं। खैर, जो पानी बर्बाद होना था वो तो हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ईसरदा बांध का गला फाइलों में घुटता रहेगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।